भक्तावतारा भक्त
जो संसार सागर से उठकर भक्ति रस के सागर में डूबना चाहता है उसे नित्यानंद राम की पूजा करनी चाहिए। नित्यानंद अनंत शेष एवं बलराम है, जो चैतन्य लीला में नित्यानंद है। वो सुबह और शाम, दिन और रात सदैव कृष्ण के प्रेम के सागर में ही डूबे रहते हैं। अनंत शेष एवं बलराम है, जो जिनकी लीला सुनने मात्र से, क्या करने से, सुनने मात्र से हो जाती है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इतना अद्भुत चरित्र है जिनका, नित्यानंद राम है उनका। बोलो नित्यानंद राम की, बोलो नित्यानंद महा महोत्सव की। तो यह कहानी है जबकि जब चैतन्य महाप्रभु को अपना हरिनाम संकीर्तन आंदोलन शुरू करना था, तब नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण कर रहे थे। जब वह वृंदावन आए, तब उनको महसूस हुआ कि उनके प्राणनाथ, उनके ईश्वर उनको पुकार रहे हैं। तब वह नंदन आचार्य की जी के घर पर आकर रुकते हैं। नंदन आचार्य होते श्रीवास गदाधर, पता है आज मुझे
भी मेरे स्वप्न में आए थे और वे मेरे स्वप्न में दासवर्ष के सब रथ पर सवार थे, नीले वस्त्र, नीली पगड़ी और बाहे हाथ में कमंडल और बाहे कानों में सुंदर सा कुंडल, बहुत ही अद्भुत। वे एकदम श्री हरिहर के वेश में थे। बार बार मेरे घर के आगे आकर यही पूछने जा रहे थे कि क्या ये निमाय पंडित का घर है। मैं तो उन्हें देख के डर गया, पर मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो वे मुझे बोले, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कल परिचय दूंगा। पर जो भी हो, उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और ऐसा लगा कि हम दोनों में कुछ तो समानता है। लगता है महाप्रभु बलराम आवेश में आ चुके हैं। महाप्रभु, मदिरा तो आपके पास है, आप जिसे मदिरा प्रदान करते हैं वही बोले सकता है। श्रीवास, हरिदास, तुम दोनों इसी क्षण जाओ और वे अद्भुत व्यक्ति जो मेरे स्वप्न में आए थे उन्हें ढूंढ कर लेकर आओ। जाओ। जो आज्ञा महाप्रभु। अरे श्रीवास, आपको पता है महाप्रभु ने बताया है कि कोई महापुरुष आया है नदिया में। मुझे तो लगता है स्वयं संकर्षण जी आए हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है प्रभु। महाप्रभु के ऐसे कहने का कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा जी। अरे प्रभु, आप यह बताइए कि हम उन्हें साथ साथ ढूंढे या अलग अलग ढूंढे। साथ में ढूंढेंगे प्रभु जी। प्रभु, अरे इतने लंबे कुंडल। अरे श्रीवास देखो, महाप्रभु ने बताया था कि उस महापुरुष के बड़े लंबे कुंडल हैं। लगता है हम मिल गए वो महापुरुष। नहीं तो आप नहीं हो महापुरुष। श्रीवास हो ना प्रभु, सिर्फ कुंडल ही नहीं, महाप्रभु ने कहा था कि उनके नीले वस्त्र होंगे। वैसे यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने नीले वस्त्र पहने हैं, अब हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे। अरे अरे देखो श्रीधर, अरे श्रीधर, आपने देखा ऐसा महापुरुष जो बड़ा पहाड़ सा है उसमें पूरे महाप्रभु जैसे लक्षण हो। मैंने ऐसा महापुरुष नहीं देखा। श्रीवास हमें क्या करें, कहाँ पे ढूंढे? इन्हें पूछेंगे। प्रभु, क्या आपको पता है, आप तो टेंपल के प्रेसिडेंट हो। अरे प्रभु, आप तो मंदिर के पुजारी हो, आपने देखा ऐसे महापुरुष को, हमें तो ढूंढे ढूंढे दिन हो गया, अब कहाँ पर ढूंढे उन्हें, आप ही बताइए कहाँ ढूंढे उस महापुरुष को। माताजी से पूछेंगे ना। माताजी भक्त लोग, क्या आपने देखा ऐसे महापुरुष को जो पहाड़ सा है, सुंदर अद्भुत रूप है उनका, एकदम लंबे चौड़े, देखा क्या आपने? श्रीवास अभी कहाँ ढूंढे, क्या करें अभी? कुछ पता नहीं चल रहा है। श्रीवास, इतना समय हो गया कि सुबह के मंगला दर्शन, भागवतम सब मिस हो गया। प्रभु, संध्या आरती का समय हो गया और हमें उनका कोई पता नहीं चला। श्रीवास, महाप्रभु का इतना छोटा सा आदेश का भी हम पालन नहीं कर पाए। अरे श्रीवास, हरिदास, तो मिले वो महापुरुष? महाप्रभु, आपने जहाँ जहाँ बोला हमने वहाँ वहाँ ढूंढा। पिछले 9 घंटे से हमने पूरे नदिया का चप्पा चप्पा छान मारा, पर वे हमें कहीं नहीं दिखे। काफी भीड़ जमा हुई है, काफी लोगों से पूछा, काफी बाजारों में भी ढूंढा, पर कुछ पता नहीं चला। अभी क्या करें महाप्रभु,
अभी हमसे न हो पाएगा, अभी आप ही देखिए महाप्रभु। अरे ऐसे कहां ढूंढ लिया जो मिले ही नहीं। वैष्णव मठ, सन्यासी घर, गृहस्थों के घर, अरे बाबा एवं पाशांति के घर में भी। महाप्रभु आपने जहां जहां बोला वहां वहां ढूंढा। अरे तुम लोग उसको क्या ढूंढ पाओगे, नित्यानंद है वो, बहुत घोर और रहस्य तत्व है। अब क्या हुआ प्रभु कि आपकी कृपा के बिना उन तक पहुंच भी कौन सकता है, नित्यानंद प्रभु की ओर पहुंच भी कौन सकता है। चलो अब मैं तुमको ले चलता हूँ, अभी वो अवश्य मिलेंगे। हरि बोल। अगर महाप्रभु चाहेंगे तो हम नित्यानंद राय तक पहुंच सकते। महाप्रभु जब अपने परिकरों के साथ गमन करते थे तो स्वयं कामदेव भी उन्हें देखकर लज्जित होकर गिर पड़ते थे। अब स्वयं प्रभु को ढूंढने के लिए महाप्रभु स्वयं नंदन राजा के घर पहुंच गए। हाँ करना है। हाँ करना है।
स्वपद रामाया रविशंकर। नारायण के ऊपर अनंत शेष है और नारायण अनंत शेष में, ये तो बिल्कुल ही विपरीत है। ये तो बिल्कुल बलराम और कृष्ण की भांति प्रतीत होता है। नहीं नहीं, ये तो कृष्ण बलराम लग रहे हैं, या फिर कामदेव भी हो सकते हैं। ये गम, ये अश्रु, ये पुकार, ईश्वर बिना किसकी हो सकती है? अगर कोई सुकृतिवान पुरुष इस भक्तियों की शिरोमणि को देखे तो कृष्ण उन्हें कभी छोड़ ही नहीं सकते। अब मैं समझा कि आप ईश्वर की पूर्ण शक्ति हो। आप ही चतुर्भुज भुवन की को पवित्र करते हैं। यदि आपका कोई संग है तो उन्हें ईश्वर प्राप्ति होती है। ऐसा कोई है जो इन्हें देख सके? कोई नहीं। मुझे पूछते हुए भय है, पर आप किस दिशा से आए हैं? प्रभु, आप तो स्वयं ज्ञाता है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं त्रित कमल पर गया था, सभी मंदिरों के दर्शन किए, परंतु मेरे प्राणनाथ कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। सभी पुजारी से पूछा, भक्तगण से पूछा कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण को किसी ने देखा है? तभी मुझे पता चला वो पतितों का उद्धार करने के लिए गौर देश में प्रकट हुए हैं। हम सब महासौभाग्यशाली हैं जो आप जैसे महाभक्त का यहाँ आना हुआ। आपके कृष्ण प्रेम के अश्रु देखकर हम सब धन्य हो गए। ये तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर और हरी, हरी हर की पूजा करते हैं और हर हरी की। धन्य है। यह तो एकदम राम लक्ष्मण जैसा चरित्र प्रतीत होता है। नहीं नहीं, ये तो अर्जुन सखा और केशव की भांति प्रतीत होता है। हो जाता है मंदन मुक्त।
परिपूर्णता से सेवा करते थे, अगर आप हमें भी भगवान की पूजा करनी हो तो हमें भी अपनी रिक्वेस्ट डिपॉजिट करनी होगी ताकि हमें भी सेवा करने का मौका मिले। My only desire is that may Lord Nityananda Rai, who is very dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu, be the Lord of my life. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.
Now.